वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा घर अभी कैसा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा सा सोचा है एंड तक, बहुत सारी चीज़ें करनी अभी बाकी हैं। वैसे तो सुबह का मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, झाड़ू पोछा सारा काम ख़त्म हो गया है, नाश्ता बनाना है अभी। आज का मौसम कुछ ऐसा है मित्रों, काले बादल छाए हैं, हवा चल रही है, हालांकि हवा उतनी तेज नहीं है और बारिश पड़ने लगी है। देखिए कुछ बूंदे आपको नज़र भी आ रही होंगी। अभी गए हैं छत पर क्योंकि ऊपर पानी भर जाता है, और जैसे ही पानी भर जाता है वैसे जो ये कमरा है जहाँ पे हमारा बहुत सारा सामान रखा हुआ है वो चूने लगता है, सारे में पानी पानी हो जाता है, तो उसी को देखने के लिए अभी ऊपर गए हैं। तो अभी मैं आई हूँ किचन में और मुझे बनाना है अभी सुबह का नाश्ता। तो सबसे पहले तो मैंने दूध जो है वो रख दिया है गरम करने के लिए। भैंस का दूध लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डालना ही पड़ता है क्योंकि भैंस का जो दूध होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। थोड़ा सा ले लिया है बेसन, तो मैं यहाँ पर ना बेसन वाले जो ब्रेड के जो टोस्ट बनते हैं वो बना रही हूँ, और बहुत ईजी है बनाना, बस बैटर तैयार करना होता है बेसन का और उसमें आप ब्रेड को डिप करके अच्छे से तवे पर सेक लीजिए तो खाने में टेस्टी लगते हैं। तलिए नहीं, तवे पर सेके, ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होंगे। तो इसमें नमक मिर्च और हींग, थोड़ा सा आप जो भी मसाले खाते हो वो डाल लीजिए और बस ये बैटर तैयार हो जाएगा। प्याज भी डाल सकते हैं इसमें अगर आपको पसंद है तो। और यहाँ पर जो ये ब्रेड मिलती हैं वो बहुत छोटी छोटी सी ब्रेड ये लेकर के आए थे, वैसे बड़ी भी है, कह रहे देखने में अच्छी लग रही थी तो मैं छोटी छोटी ही लेकर के आ गया। और बस एक गलती हुई यहाँ पर, ये जो तवा है वो बहुत हल्का है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है ये तवा, और इस पर मतलब आप कितना भी केयरफुली बना लो इस पर चिपकना ही चिपकना है। या तो नॉन स्टिक तवा चाहिए या फिर जो हैवी तवा होता है वो चाहिए। तो फिर भी मतलब जैसे भी बनाए, मतलब चिपक तो गए थे ये नीचे, वैसे खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे इतने अच्छे ब्रेड पकौड़ा भी नहीं लगते हैं जितने अच्छे ये लगते हैं। ये सिकते हैं और ज़्यादा तले नहीं जाते, और देसी घी में मैंने इनको अच्छे से सेका है। अगर नॉन स्टिक तवा होता है तो ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी, थोड़ा सा चिपक गए हैं नीचे। तो आइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। तो अभी मैंने इन लोगों को तो नाश्ता दे दिया है, दूध के साथ में इन्होंने खा लिया है। मैं अपने लिए यहाँ पर बना रही हूँ चाय, क्योंकि मांटू भी चाय नहीं पीती है और इनको भी सुबह के टाइम में कोशिश करती हूँ कि दूध ही ले ले के गिलास। और यहाँ पर चाय में मैंने डाली है इलायची, दालचीनी और लौंग। फ़िलहाल मैं यही सारी चीज़ें डालती हूँ। तुलसी के पत्ते की चाय भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मेरी चाय बन जाएगी। और आप में से ही बहुत सारे लोगों ने बताया था कि आप अपनी किचन में कपूर सिलगा लिया करो,
तो तभी से रोज सुबह के टाइम में मैं जब भी पूजा करती हूँ तो कपूर से लगा लेती हूँ। वैसे अब मेरी किचन में मक्खी इतनी नहीं आती है, मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एक भी चीज़ गिरने नहीं देती हूँ, साथ के साथ में सारे बर्तन साफ कर देती हूँ ताकि मक्खियों को आने का मौका ही नहीं मिले, और डेली कपूर भी सिलगा देती हूँ। तो नाश्ता हमारा यहाँ पर बन चुका है, इन्होंने भी खा लिया है, मांडू का भी रखा हुआ है, दूध और ब्रेड जैम क्योंकि वो नहा रही है, नहा के आते ही तुरंत वो भी खा लेगी। तो चलिए पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद में आप लोगों से बात करते हैं। तो वैसे तो ये कपड़े जो हैं मैंने रात धुले थे, सुबह में फिर बारिश आ गई, रात रात में इतने अच्छे से कपड़े नहीं सूख पाते हैं, तो मैंने ये कपड़े जो हैं सारे के सारे अपने धूप में डाल दिए हैं, और कुछ तो इसमें सूखे हुए हैं, पर ये है कि धूप लगना भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कपड़ों को, तो मैं रस्सी को अच्छे से पोंछ दूँगी। पानी गीली भी हो रही है और फिर जो धूल मिट्टी भी लगी रहती है, कपड़े डालने से पहले मैं अच्छे से हाथ उस पर जो है वो कर देती हूँ। तो अभी सारे कपड़े डाल देते हैं, और मांटू भी नहा करके आई है तो वो बताती है मुझे रोज नहा के, मम्मी मैं आज अच्छे से मलकी नहाई हूँ, पैर रगड़े हैं, कोहनी रगड़ी, अब देखो मेरी कोहनी गोरी हो गई है। बच्चे करते ही हैं इस तरीके से। तो बस चलिए सारे कपड़े जो हैं वो धूप में डाल देते हैं फटाके। वो देखिए सामने का, जब तक मैं इसमें पर्दे नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये एक स्टोर रूम टाइप का हो गया है फिलहाल, जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब यहीं पर रखा जाता है। तो अभी मैं मांटू की चोटी बना रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो उसके जो बाल हैं थोड़े से अब बढ़ने लगे हैं, तो उनको बांधना ही पड़ता है। वैसे चोटी बनाऊँ चाहे रबर डालूँ, और उसको भी थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाने का भी शौक लगा हुआ है कि मम्मी नया नया हेयर स्टाइल बनाया करो। एक दो मैंने वीडियो में देखा भी, कोशिश भी की, पर उन सब चीज़ों में टाइम लगता है बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा बेटा अभी ऐसे ही बंधवा लो, अभी मैं सिंपल बांध के इसमें रबर डाल देती हूँ, क्योंकि खुले बाल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो जो है वो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है, पूजा मेरी हो गई है, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है, और आज सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा हुआ, बारिश पड़ने लगी थी, और अभी जो है मुझे खाना बनाना है दोपहर का। कपड़े वपड़े मैंने धूप में डाल दिए हैं क्योंकि रात मैंने कपड़े धोए थे, फिर सुबह में बारिश आ गई तो ये सारे कपड़े मैंने अंदर ही डाले, और कपड़ों को धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो धूप में डाल दिए हैं मैंने अभी। और अभी मैं बनाऊँगी खाना, तो मैं सोची होती हूँ आज सिंपल सी दाल ही बनाऊँगी, जिसको कि मैंने दाल को उबाल लिया है। मसाला तैयार हो गया है दाल का, गए हुए थे अभी खेत में, इनको जो है खाद डालना है, आज पानी चल रहा है खेत में, तो खेत में गए हुए थे, अभी बस आ ही जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे जो है वो लॉकडाउन ही रहा करेगा और छुट्टी रहेगी, आज की इन्होंने छुट्टी कर ली है क्योंकि आज हमें जो है मार्केट जाना है, सामान लेके आना है, कपड़े वपड़े लाने हैं, वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम घर जाना है,
तो उसी की तैयारी करनी है। कुछ सामान घर के लिए भी लेकर के आना है, तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। तो इसलिए आज इन्होंने जो है वो छुट्टी कर ली है। मैंने कहा मार्केट का काम भी करते आएंगे और अपना थोड़ा सा घर का काम भी देख लेंगे। चलिए दाल हो गई है, पहले आटा लगा देती हूँ, फिर बर्तन साफ करती हूँ जब रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आटा और बस रोटी बनानी रह गई है। मैंने मतलब सारा काम ख़त्म कर लिया है, बर्तन बर्तन पहले ही साफ़ कर दिए हैं सारे। आटा लगा के रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, और बहुत थोड़ा सा आटा लगाया जाता है क्योंकि वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, रोटी खाने की वैसे भी ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। रिचार्ज खत्म हो गया, कोई बात नहीं, रिचार्ज कर। अरे वैसे कह रही हो आप, सारा जो है वो इसी चौकी पे आता है। तो बर्तन साफ़ करते मुझे जो चौकी है वो भी साफ़ करनी पड़ती है। सारे कपड़े मैंने उतार लिए हैं क्योंकि धूप जो है बहुत तेज़ हुई, एकदम से बारिश पड़ने के बाद सारे कपड़े सूख गए हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें कर ली और फिर मैं दोपहर के टाइम में खाना बना के खा के एक बार सारे पूरे घर में पोछा लगाती ही हूँ। ये मेरी आदत ही है, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे मतलब कहीं भी रहूँ, वहाँ पर भी मेरठ में भी मतलब ये है ही मेरा, दोपहर के टाइम में भी एक बार मैं पूरे ही घर में जो है वो पोछा लगा देती हूँ। और बस दोपहर के टाइम फिर आराम से सो, टेंशन नहीं रहती कि आपका घर गंदा है। कौन कौन करता है ऐसे प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और पूरे घर में ही मैंने एक बार पोछा फेर दिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और इसी वजह से जो है मेरे घर में मक्खियाँ आना कम हुई है। थोड़ा सा साफ़ सफाई पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना पड़ा और उसकी वजह से जो है वो मक्खी कम हुई है आनी, वरना बहुत बुरी हालत रहती थी। खाना खाने की भी मेरा मन नहीं होता था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे मक्खियों से, कीड़ी मकोड़े जो होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि परेशानी होती है। मैंने कल लिए थे पौधे तो, और दिखा आज रहे अभी तो। बोलो कैमरामैन अब पीछे आओ, कैमरामैन गौरव तोमर के साथ में प्रिया तोमर पौधों के बारे में जानकारी देते हुए। एक बार तो ये वाला लिया है, ये वो पौधा मुझे पहले से बहुत पसंद है, मतलब ये सूखता कम है, है नहीं? यस, और इसका लुक अलग है। देखो इसका लुक दिखाऊं, देखो दूर से देखो, ये यो देखो, अब देखो इसका लुक। और मुझे पौधे रखने का शौक तो है पर जब ये सूखा है ना तो मुझे दुख हो गया। ये बात ये देखिए कैमरामैन प्रिया तोमर का पीछा करते हुए वाले हैं। एक तो तुलसी और ये बात मनी प्लांट है, पर ये मनी प्लांट है नहीं, ये मनी प्लांट है नहीं, ये वो ही वाला पौधा नहीं जो हमने वहाँ लगाया दिल्ली में, वो मनी प्लांट बता गया। ये मनी प्लांट तो नहीं है, मनी प्लांट में लेके आऊंगी, यहीं पास में नर्सरी है, चलेंगे शाम को चलेंगे। है ये गुलाब, तो तीन चार पौधे लिए है और एक बहुत ही खास चीज और ली है। तुम जरा ये भी बताओगे क्या क्या पूरा दिन झाड़ू पोछा करती रहती हूँ, बार बार पोछा मारती हूँ, ये ऊपर जो टंगरी है मेरी पैंट खेत में से बाहर का चुल्ला लिया है, अभी ये इसमें मिट्टी लगानी है और इसको सेट करना है, वो करूंगी मैं शाम को। अभी तो मेरा दोपहर का काम जो है वो निपटा है, अब दो घड़ी आराम करने का सोच रहे हैं। हाँ हाँ बुढ़ापा आ गया।
हम चप्पल धोए, चप्पल गंदी करके लिया मैं। अब देखिए दो जोड़ी चप्पल एक खेत की अलग होनी चाहिए ना बार बार जाने की। वही धुलेंगे वही, हाँ वही वही धुलेंगे। अभी दोपहर का काम नहीं निपटाया, खाना पीना करा है, कपड़े वपड़े उतार लिए सूख गए, साफ सफाई ठीक है, साफ सफाई यू कैसे फैला यहाँ से यू सामान था तो ये फैल कैसे गया फिर ने? कट्टा तो ठा के ले ये सामान फैलाने वाला कौन सा चक्कर था उसमें। रुक जाओ पानी गिरूंगी। पति से चप्पल धुआते हुए घर की चप्पल तो अलग होनी चाहिए ना, घर की चप्पल का बाहर तैर के जाने का क्या मतलब है। बस खड़ी कर दो लो जी, खड़ी लाओ हटो, मैं खेत में जाऊंगा, उन्हें छोड़ दो। खेत की भी है गंदी हो ये जरूरी नहीं है। चलो जी अभी तो फिलहाल का काम तो खत्म हो गया, अभी हम चलते हैं अंदर क्योंकि धूप बहुत है। और आज इन्होंने फिर से इसका कौन कह देगा इसे कि ये कुत्ती है या कुत्ता है, मतलब बच्चे की तरह फैल के इस पैसे चादर उतार के नीचे लिपट विपट के इसमें पड़ी है और पूरे पूरे आराम के साथ में सो रही है बिल्कुल। चंचू हिली 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 चंचन आई मैं बाबू कैजी छोरा तू चादर में लिपट के आई है ओलियो आई मैं बाबू। आ रहे हैं मैडम जी, निकल रहे हैं चंचू आइए ओलियो बाबू कैसे छोड़े हो, खाना रख दो इसका। कैसे छोड़े थे आप, ऐसे कौन छोटा है भाई, ऐसे छोड़ते हो फिर से ले भैया लो, जहाँ भी जाएंगे हम तो फैल लेंगे। लो अब कहाँ जा रही बाहर, छींक आ गई, आ जा क्या हो गया, छींक कैसा आ गई इतनी सारी छिक्कू कैसा होगा तुझे, सो जा तू जा। गाइस अभी हाँ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, और आप लोगों को मेरे पौधे कैसे लग रहे हैं। अभी तो मैंने दो चार ही प्लांट्स लिए हैं, काफ़ी सारे लेने हैं, मैंने सोचा है कहाँ कहाँ पे रखना है, और आज एक और ज़्यादा मतलब की हो गई थी ये जो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये इधर वाला जो है जहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है उसकी जो छत है ना वो कच्ची छत है, आप लोग जानते होंगे जो कड़ियों वाली छत होती है, तो वो है। आज जैसे ही बारिश पड़ी तो उससे पानी आना स्टार्ट हो गया, ऐसी छत का ना गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी क्या हो गया ना, सारी चीज़ें हमारी रुकी हैं इस वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पे रहूँगी नहीं, और मम्मी अगर यहाँ पे रहेंगी तो मम्मी से इतना काम नहीं होगा अगर हम मिस्त्री भी लगाते हैं, क्योंकि अभी इसमें जो काम होना बाकी है, जो ये बहुत लंबे वाला कमरा है उधर की साइड में, उसकी भी छत जो है वो कच्ची है, तो उसकी छत पे और इधर एक बैठक बनेगी, तो ये सारा लेंटर डलना है और गेट लगना है बड़े वाला, और बीच में जो है वो गैलरी बनेगी, वो तो सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें और ये सारे काम हमने रोके हैं अभी, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे घर किस दिन जाना पड़ जाए, मैं सुबह में चली जाऊँ या मुझे रात में जाना पड़े। आप लोगों को तो पता ही है मेरी मम्मी अकेली है वहाँ पे, तो भाभी को लेकर ही बस वो जा सकते हैं, हॉस्पिटल में रहना सारी चीज़ें करने में बहुत मतलब कि कोई ना कोई चाहिए ही। वैसे तो मेरी जो बहन है वो कल चली जाएगी घर पर, वो पहले ही जा रही है, पर मैं अभी मतलब मैं सोच रही हूँ कि बस मैं तभी जाऊँ जब कुछ ऐसे सिचुएशन हो, मुझे नहीं पता किस दिन घर से निकलना पड़ जाए। और मैंने मांटू के कपड़े खरीद लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ले ली हैं, बस मेरे सूट रह गए हैं, और मेरठ से मुझे कपड़े लाने हैं उठा करके, मेरे सारे नए जो कपड़े हैं जो मुझे घर ले करके जाने हैं वो सारे कपड़े वहीं पर हैं, तो संडे में मैं जाऊँगी मतलब कि मेरठ से सारे कपड़े वपड़े लाने के लिए, और एक दो चीज़ें मेरी रह गई हैं वो लानी है, फिर बैग वैग भी पैक करना है, और सारी चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ जो मैं खरीद के लाई हूँ, जिसमें कि कुछ घर का सामान है कुछ मांटू के कपड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और अभी मतलब कि ये होता है जब भी मेरा फ़ोन बजता है ना
तो मैं कभी, अब पहले तो मैं फ़ोन बहुत इग्नोर मार देती थी किसी के भी फ़ोन हो, क्योंकि मुझे फ़ोन सुनने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सिर्फ फ़ोन पे उन्हीं से बात करती हूँ जिनसे मतलब कि मुझे बहुत है ना, जैसे कि मम्मी है उनसे बात दिन में करनी ही करनी है, मेरी बहन है उससे बात करनी ही करनी है, या फिर अगर मेरे ससुराल से फ़ोन आ जाता है तो वो तो देखिए रोज बात नहीं करते हैं वहाँ पे, तो जब भी आ जाता है उनसे भी करनी ही करनी है। कुछ अपने फ्रेंड्स होते हैं ऐसे जैसे कि जिनका फ़ोन आना है उनसे करनी ही करनी है। तो और जो वैसे फ़ोन आते हैं मतलब कि जो दूर के रिश्तेदार होते हैं है ना, और ऐसे ही मतलब कि कुछ हमारे भी कॉल आते हैं जैसे यूट्यूब से रिलेटेड, मुझे बहुत आलस आता है फ़ोन उठाने में, मुझे बहुत आलस आता है। तो मैं अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही फ़ोन बजता है तो मैं सबसे पहले भागती हूँ, मैंने कहा घर से फ़ोन ना हो, फ़ोन साइलेंट पे हो जाएगा तो मुझे टेंशन हो जाती है, अरे फ़ोन साइलेंट पे होगा कहीं वो मिला ना रहे हो ये वो, मतलब मैं पूरा दिन फ़ोन अपना चेक करती रहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो का भी एंड कर देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।